एज यू कैन सी गाइस 9:15 हो रहे हैं, जस्ट अभी मार्केट ओपन हुई है एंड यहाँ पे ओला में भी आप देख सकते हो 100% का प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है एंड काफी साफ मूवमेंट है। 157 का हीट करने के बाद 153 154 के आसपास अभी करंट टाइम में मंडरा रहा है एंड आप देखोगे यहाँ पे एक साफ मूवमेंट आने के साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े से आना शुरू हो चुके हैं। 102-103 के परसेंट के आसपास अभी करंट टाइम में चल रहा है। ओवरऑल जो प्रॉफिट देखोगे 15,500 रुपये 15,527 रुपये के आसपास अभी मूव कर रहे हैं एंड आप देखो 157 का हाई हिट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग सा बन रहा है एंड आप देखोगे यहाँ पे 106% का करंट टाइम में प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है 15,510 रुपये के आसपास अभी एंड आप देख सकते हो गाइस काफी अच्छी मूवमेंट आई है एंड अच्छी खासी मूवमेंट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 98% का करंट टाइम में प्रॉफिट चल रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है एंड वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे चार्ट पे। 150 रुपीज के आसपास अभी करंट टाइम में प्राइस चल रहा है 97% के आसपास का, जहाँ पे 107% के आसपास का प्रॉफिट हिट करने के बाद यहाँ पे ओला में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। यहाँ पे आज जो सेलर्स है वो अग्रेसिव हैं काफी ज्यादा क्योंकि अच्छी खासी प्रॉफिट 100% का रिटर्न बनने के बाद लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया ओला में एंड मूवमेंट काफी सार पा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे देखोगे ओला का स्टॉक जो है वो डाउन ही जा रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम कितना ज्यादा रेड हो रखा है, जो सेलर्स हैं वो ज्यादा हैं, बायर्स बिल्कुल ही कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक कहीं ना कहीं पिट रहा है आज और आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन बना के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट आ नहीं पा रही है। अब देखो 97% के आसपास करंट टाइम में प्रॉफिट चल रहा है बट आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ओला में बट फर्दर अभी 98% के आसपास करंट टाइम में चल रहा है। बाकी देखते हैं, थोड़ी मार्केट कंडीशन भी वैसी सी बन रही है, मूवमेंट काफ़ी सुबह अच्छी थी बट अभी थोड़ा सा डाउन डाउन सी हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे 9:53 हो रहे हैं अभी करंट टाइम में एना यहाँ पे देखोगे तो आप 150 रुपये 80 पैसे के बाद 90 पैसे के आसपास हुए 98% 14,662 रुपये के आसपास करंट टाइम में प्रॉफिट चल रहा है एंड आप देख सकते हो यहाँ से डबल अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर क्रॉस करता विद वॉल्यूम तो यहाँ पे ऊपर जाने की चांसेज है बट यहाँ पे देखोगे अभी 93-92% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट चलना लग गया है और अभी ओला पॉजिटिव से नेगेटिव आ चुका है एंड आप देखो 91% का भी करंट टाइम में प्रॉफिट चल रहा है 13,600, जहाँ पे 15,800 के आसपास का मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया था वहाँ से 13,400 रुपये के आसपास आ चुका है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी डाउन साइड में मूवमेंट आने की कोशिश कर रही है। मार्केट भी थोड़ी सी कंडीशन अच्छी है, निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखोगे 1 रुपये के आसपास 1.18-20 रुपये के आसपास करंट टाइम में डाउन है डे के लो पे एंड आप देखो यहाँ पे डबल टॉप बना के कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, देखते हैं फर्दर जाता है नहीं जाता है। अगर जाएगा तो 150 के आसपास जा सकता है, देन अगर उसके ऊपर वॉल्यूम आएगा तो मूवमेंट मिलेगा, अदरवाइज वहीं वापस से जो ट्रेंड लाइन बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है वहीं से सेल ऑफ शुरू हो सकता है। बाकी फर्दर देखते हैं गाइज, अभी आप देख सकते हो 91.25% का करंट टाइम में प्रॉफिट चल रहा है स्टॉक में ओला में एंड आप देख सकते हो यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट आई जिसकी वजह से 87% का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है करंट टाइम में बट और 141 के आसपास स्टॉक आ चुका है, काफ़ी डाउन आया है स्टॉक एंड मूवमेंट भी उसी तरीके से सेल ऑफ शुरू है जैसे मैं बोल रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एग्जैक्टली वैसा हो रहा है एंड करंट टाइम में आप देख सकते हो उसको। अभी आप देख सकते हो 87% का रिटर्न चल रहा है जो कि अभी जब मार्केट ओपन हुई थी और प्राइस 157 के आसपास इस प्राइस के आसपास था तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 107% का रिटर्न था, वहाँ से ऑलमोस्ट 20% के आसपास डाउन आ चुका है यहाँ पे एंड आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे अभी 12,900 रुपये के आसपास 960 रुपये के आसपास करंट टाइम में प्रॉफिट रन कर रहा है बट आप देखोगे अभी यहाँ पे सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं जिसकी वजह से आज ये काफ़ी बुरे तरीके से पिट रहा है एंड आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% के आसपास जो सेलर्स बायर्स हैं एंड 70% के आसपास ऑलमोस्ट यहाँ पे टोटल सेलर्स हैं तो आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है वॉल्यूम के साथ में। अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाऊं थोड़ा ऐसे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो चार्ट के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये 30 मिनट का चार्ट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओपन होते ही सीधा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी एंड 15 मिनट पर अगर मैं शिफ्ट करूँ तो भी आप देखोगे कि यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है, अपसाइड सीधे डायरेक्ट नीचे आया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया ऊपर गया देन वापस से नीचे एंड करंट तुम दिन का लो हिट किया है एंड जो प्रीवियस लो था उसका भी यहाँ पे लो हिट किया था, वहीं से यहाँ पे अपर सर्किट लग गया था देन यहाँ पे आके आप देख सकते हो क्लियरली अभी इस प्राइस के आसपास करंट टाइम में चल रहा है 142.98 के आसपास 43 के आसपास तो आप देख सकते हो ये है। बाकी अगर आप देखोगे तो एक अच्छे खासे प्रॉफिट के बाद अगर 20% अपसाइड के साथ यहाँ पे अभी नेगेटिव चल रहा है 2-2.5% के आसपास, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी करंट टाइम में 2.5% के आसपास नेगेटिव चल रहा है दिन का है ना। देखोगे कि वहीं आप अगेंस्ट में देखोगे तो निफ्टी भी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है बट यहाँ पे आप देखोगे कि आज ओला थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर रहा। बाकी आप देखोगे अब ऑब्वियसली इतने दिन से कंटिन्यू परफॉर्मिंग स्टॉक है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो अंडरस्टैंडेबल है। आप देखोगे 2 दिन कैंडल प्रॉफिट रनअप किया था, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई थी, फिर रनअप किया था, अब वापस से 3 दिन के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है
देखते हैं फर्दर क्या होता है, आज का दिन कैसा निकलता है। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू गाइज। और आप देखोगे तो यहाँ पे सुबह जब यहाँ पे 107% का प्रॉफिट था तो लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 15,700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था, बट करंट टाइम में अभी 12,000-13,000 के आसपास चल रहा, तो ऑलमोस्ट 2,500 रुपये के आसपास का यहाँ पे डाउन है। तो गाइज ये फाइनल 11:28 में तो रात को मैं फाइनल वीडियो कॉल कर रहा हूँ ओला के लिए ना। आप देखोगे यहाँ पे गाइज 107% का प्रॉफिट हिट करने के बाद ओला अभी 81% पे आ चुका है, क्योंकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है काफ़ी, एज यू नो गाइज सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे 157 का जब हाई हिट किया था तो यहाँ पे 107% का प्रॉफिट चल रहा था, एंड यहाँ पे आप देखोगे लगभग 15,800 रुपये के आसपास का हाई हिट किया था, देन वहाँ से नीचे आ गया, एंड अभी आप देखोगे तो काफ़ी लॉस हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 5-6% के आसपास, 6% के आसपास यहाँ पे डाउन है। तो आप देखोगे तो 1600 रुपये का यहाँ पे दिन में लॉस हुआ है, जो कि 15,800 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट था, वहाँ पे अभी 12,400 रुपये का करंट टाइम में प्रॉफिट चल रहा है। तो गाइस देखते हैं फर्दर कल कैसा होता है। अभी मैं आपको अगर करंट टाइम में बताऊँ विद चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप ये देखोगे तो यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसकी वजह से आप देखोगे सपोर्ट जो इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट है प्रीवियस का जो अपर सर्किट था उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा था, और यहाँ से नीचे नहीं गया इस प्राइस के आसपास से जो इसका था 2 दिन पहले का, यहाँ पर जो अपर सर्किट लगा था उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ से हो सकता है कि कल अगर अच्छी मार्केट रहेगी और मूवमेंट आएगी, थोड़ा सा बायर्स आएंगे, तो इसको ये ऊपर लेके जाएगा बड़े आराम से, एंड नहीं अगर इसको ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर इस जो इसका यहाँ पे लो था आज का उसको तोड़ेगा, एंड देन यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ तक का प्राइस आ सकता है जो कि 10125 का यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट बन सकता है। बाकी देखते हैं गाइस फर्दर कैसा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, फट पसंद आ तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू गाइज़।